सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज वापस से हम अपने वीडियो में एक स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि SIP के लिए आपके पास बेस्ट स्टॉक होगा और इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा SIP करते हुए भी। अब यहाँ पे आप इस स्टॉक को एक साथ भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि 20-20-20-35% के हिसाब से आप हर करेक्शन में बाय कीजिए, या तो आप उसको अपने 52 वीक हाई या लो से आप ऊपर बाय कीजिए या नीचे बाय कीजिएगा। अभी उस स्टॉक के बारे में हमने बहुत बार वीडियो बनाई है, नाम है पूनावाला फाइनेंस। आज उस स्टॉक के ऊपर टेक्निकल व्यू देखेंगे, टेक्निकल चार्ट पे हम फंडामेंटल छोड़ के टेक्निकल पे हम व्यू देखेंगे और उसके बाद आगे के कुछ लेवल्स और नीचे की साइड स्टॉप लॉस भी हम बताएंगे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या पोजिशनल आप सेटअप बनाना चाहते हैं। और पूनावाला फाइनेंस, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, करीबन मार्केट कैप 20,000 करोड़ का होने वाला है और ये कुछ दिनों में हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखना होगा कि कितने जल्दी कंपनी अपने जो सेल्स है वो ग्रो करती है, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर प्राइस डिपेंड करता है। यहाँ से आपको पता ही पूनावाला फाइनेंस, अगर बेसिक डिटेल आपको नहीं पता तो आप जरूर हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। पूनावाला फाइनेंस पे हमने 2-3 वीडियो बनाई है, क्यों ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है और इसके ऊपर आप वीडियो जाके देख सकते हैं। पूनावाला एग्जैक्ट लैंडिंग और लोनिंग बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस को लोन देता है, लैंड करता है, पैसे एसेट मैनेज करता है कंपनियों के, और खुद के भी इनके पास नियर ब्रांच सर्विस सेंटर्स है वो 250 प्लस है, जो कि ज़्यादातर टीयर 2 से नीचे वाली सिटीज़ में, जो कि एक अच्छा कैश फ्लो बनाने में कंपनी को मदद करता है। और वहाँ से आज हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम फंडामेंटल क्या क्या लेवल्स होंगे और आगे ऊपर वाले कौन से लेवल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉप लॉस की बात करें। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है 218 आपको एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से अगर नीचे करेक्ट करता है वापस यहाँ 180-170 के आसपास जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे हमें करेक्शन नहीं मिलती है। क्रूड ऑयल और ज़्यादा वॉर के अगेंस्ट में भी कंपनी ज़्यादा करेक्ट नहीं की, उसके बाद भी यहाँ से अभी एक यू शेप रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आगे अभी और रिकवरी मूव सकते हैं हमें इस समय में, और ये स्टॉक इस वीक में रहा तो 1290 भी क्रॉस कर सकता है, 290 क्रॉस कर सकता है। उसके बाद आपको जो फाइनल लेवल होंगे वो 301 के होंगे, 290 आपका मेन लेवल होगा जहाँ से आपको ऊपर सपोर्ट लेके ये कंपनी जाएगी। यहाँ से अगर मैं एग्जैक्ट नीचे के लेवल के ऊपर सपोर्ट बताऊँ तो 242 का सपोर्ट आप मान सकते हैं। अब ये सपोर्ट सारे मैं रैमको चार्ट के ऊपर निकालता हूँ, जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट सपोर्ट था हमारा 218 के आसपास था। मैं 1-2 पॉइंट 10-20 पॉइंट नीचे ही लेता हूँ, क्योंकि करेक्शन में कभी भी इतना एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके ऊपर रहता है। अगर मैंने आपको 218 का लेवल बताया तो आप 217-216-218 तक जा सकते हैं, वो सब आपके कैपिटल के ऊपर और आपके लॉस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अभी फाइनेंस, अगर यहाँ से ऊपर की साइड जितने अपसाइड पोटेंशियल है कंपनी के पास, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी अगर लाइन चार्ट पे अगर ये लेवल्स तोड़ती है अपनी, जो कि है 264 का, इसके बाद आपको अगले लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये जो सपोर्ट है यहाँ से रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर से अगर कंपनी टूटती है तो यहाँ से आपको 285 का लेवल और जो ऊपर का लेवल है 290 के आसपास कंपनी जाते हुए नजर आएगी। अब यहाँ से 290 के ऊपर आपको कंपनी के जो अच्छे रिटर्न साथ में देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि रहना है कि नहीं रहना। लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूं अपनी तरफ से, तो यहाँ पे कंपनी एक SIP कंपनी होनी चाहिए आपके लिए। एक SIP फॉर्म में आप करते रहिए, बिकॉज जो कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं पीछे के समय में, जो कंपनी पहले मैग्मा फिनकॉर्प होती हुआ करती थी, उसके बाद पूनावाला जी ने इस कंपनी को बाय किया है अपनी पूरी कैपिटल से, और अपने जो स्टेक है वो बढ़ा के 65% प्रमोटर अपने आ चुके हैं 68%। उसके बाद से कंपनी ने अच्छी रैली दी है, यहाँ 43 का प्राइस 292 का हो गया है, और अगर मैं इनके जो एक ईयर पीछे के रिटर्न्स की बात करूँ तो 126% के रिटर्न्स है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स माने जाते हैं। अब ये स्टॉक अपने बुक में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा अभी के फिलहाल सिनेरियो में, लेकिन अभी जब से टेक हुई है, कंपनी टेक ओवरटेक हुई है, वहाँ से अभी हमें 1-2 साल वेट करना होगा। 1-2 साल में कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। और पूनावाला इसके अंदर जो प्रमोटर है, जिस तरीके का प्रमोटर है कंपनी के अंदर, वो प्रमोटर्स कंपनी को आगे पुश करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले, और जो इनकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी अगर आप SIP भी इसके अंदर करते हैं तो। अब इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन तब भी आपको मैं एक अपने फ्रेंड होने की सलाह दूंगा कि इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से अगर आप लेना चाहें तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे
विश्वास है कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, और इसकी वजह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और आगे भी कोई मौका मिलेगा, करेक्शन की अपॉर्चुनिटी हुई जैसे अभी आई थी वहाँ पे भी मैं लेने की कोशिश करूँगा। अभी आपको अपॉर्चुनिटी आई थी वहाँ पे हमने 240 के आसपास इस स्टॉक को बाय किया था और आगे भी हम इसको बाय करते रहेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें इस लेवल पर अगेन बाय करने की। तो ये स्टॉक आपके पास SIP के मोड में होना चाहिए और जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, अपने बहुत सारे वीडियो में, कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस में देखो लगता है आपकी थॉट अलग हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नेक्स्ट बजाज फाइनेंस एक कंपनी हो सकती है, वो हो सकती है पूनावाला फाइनेंस। और यही कंपनी का यही विजन लेके मैं इस कंपनी के साथ इन्वेस्टेड हूँ। आपके लिए अलग चीज़ें हो सकती है, आपके लिए अलग सिनेरियो हो सकता है, आपका लॉस कैपेबल आप नहीं हो उतने जितना ये लॉस कर सकती है या दे सकती है कंपनी इन्वेस्टर्स को, लेकिन आपको ये जरूर बोलूँगा SIP कीजिए, SIP मोड पे लेते रहिए, हर करेक्शन में बाय कीजिए, 20-25% का रूल फॉलो कीजिए, हर करेक्शन में 20-25% बाय कीजिए और नेक्स्ट करेक्शन का वेट कीजिए। इस तरीके से आप लोअर एवरेज करते जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी रिटर्न कंस्टेंट बेसिस पे बनाती जाएगी। जब तक के लिए बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली वीडियो नहीं देखी जो है हमारे पास जागरण प्रकाशन पे, जरूर वीडियो देखिएगा, एक बहुत अच्छी डिजिटल कंपनी। और मैंने इस वीडियो में कंपनी का नाम लिया था कि एक एडटेक कंपनी भी हो सकती है फ्यूचर में, तो जरूर इस कंपनी को देखिएगा और अपने व्यूज़ दीजिए कमेंट के अंदर। जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।